हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू नर्सिंग स्टडी आज की वीडियो मैं शेयर कर रही हूँ कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग टू के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो जैसे कि एग्ज़ाम के लिए कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहने वाले वो सभी हम इसमें डिस्कस करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा डिफाइन स्कूल हेल्थ सर्विसेज वट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ स्कूल हेल्थ सर्विसेज तो इसमें आपने बताना है स्कूल हेल्थ सर्विसेज क्या होता है इंट्रोडक्शन आपने कंप्लीट इंट्रोडक्शन आपने बतानी है और क्या क्या इसके ऑब्जेक्टिव्स रहेंगे सेकेंड क्वेश्चन है डिस्क्राइब द रोल ऑफ नर्सेज इन डिलीवरिंग द स्कूल हेल्थ सर्विसेज नर्सेज की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है स्कूल हेल्थ सर्विसेज के अंडर तो एक ही क्वेश्चन है एक ही क्वेश्चन को टू पार्ट्स में डिवाइड करके आपसे पूछा जा सकता है शॉर्ट नोट में भी पूछा जा सकता है या फिर इन दोनों को मिला करके एक लॉन्ग क्वेश्चन भी बनाया जा सकता है जो कि आपका टेन टू फिफ्टीन मार्क्स में रहता है क्वेश्चन नंबर थर्ड है न्यूमिरेट द कंपोनेंट ऑफ स्कूल हेल्थ सर्विसेज ठीक है कंपोनेंट्स क्या क्या हैं क्वेश्चन नंबर फोर है लिस्ट ऑन द वाइटल हेल्थ स्टेटिक्स रेट एंड इंडिकेटर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बार बार रिपीट होता रहता है ये क्वेश्चन वाइटल हेल्थ स्टेटिक्स और आपने इसमें इंडिकेटर्स भी आपने लर्न करने हैं और क्या क्या इसके रेट्स हैं पर्पस क्या है एम क्या है तो वाइटल हेल्थ स्टेटिक्स के रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स होते हैं सभी आपने प्रिपेयर करने हैं क्वेश्चन नंबर फाइव है डिस्क्राइब द इंडोजीनियस सिस्टम ऑफ मेडिसिन तो इंडोजीनियस सिस्टम क्या क्या होते हैं कौन कौन से इसके अंडर आते हैं सिस्टम वो सभी आपने याद करने हैं विद एग्ज़ाम्पल अगर आप इसे लिखते हैं तो बहुत ही अच्छा इंप्रेशन होता है एग्ज़ाम में क्वेश्चन नंबर सिक्स है डिस्क्राइब द रोल ऑफ नर्सिस इन द नेशनल हेल्थ प्रोग्राम तो नेशनल हेल्थ प्रोग्राम में नर्सेस का क्या क्या रोल रहने वाला है वो आपने डिस्क्राइब करना है तो यहाँ पर मैं एक चीज़ और आपको यहाँ पे बताना चाह रही हूँ कि जो भी आप टॉपिक आप कर रहे हैं जैसे कि इंडो इंडोजीनियस सिस्टम है ठीक है या फिर स्कूल हेल्थ सर्विसेज हैं या फिर आपका वाइटल स्टैटिक है कोई भी क्वेश्चन आप कर रहे हैं तो उसमें एक बार आपने नर्सिस रोल जरूर पढ़ना है ठीक है हर एक क्वेश्चन में पूछा जाता है कि नर्सिस का क्या रोल होता है तो एक बार अगर आप उसे देख लेते हैं अगर एग्ज़ाम में वो पूछा भी जाता है तो आप उसे इजिली लिख सकते हैं तो हमेशा नर्सिस रोल आपने हर टॉपिक में ज़रूर देखना है डिस्क्राइब द रोल ऑफ नर्सिस इन द नेशनल हेल्थ प्रोग्राम क्वेश्चन नंबर सेवन है डिस्क्राइब द कोजिज ऑफ ओवर पॉपुलेशन इन इंडिया एंड इट्स इफेक्ट स्टेप टेकन टू कंट्रोल यानी कि ओवर पॉपुलेशन या फिर पॉपुलेशन एक्सप्लोजन तो इससे इसी तरह से आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है और काफ़ी बार पूछा जाता है यानी कि बढ़ती जनसंख्या के क्या क्या कारण हो सकते हैं क्या क्या कॉजेज़ हो सकते हैं इसका क्या इफेक्ट हो सकता है और इसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है तो ये क्वेश्चन आपसे शॉर्ट में भी पूछा जा सकता है और लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन नंबर एट है डिफाइन द डेमोग्राफी वट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ डेमोग्राफी क्वेश्चन नंबर नाइन है डिस्क्राइब द एडवांटेज ऑफ स्मॉल फैमिली नॉर्म्स क्या क्या एडवांटेजेस uh, हो सकती हैं अगर स्मॉल फैमिली होती है तो क्वेश्चन नंबर टेन है डिस्क्राइब द रोल ऑफ नर्सिस इन द फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम तो यहाँ पर भी देखिए रोल ऑफ नर्सिस पूछा है फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम में नर्सिस के क्या क्या रोल हैं तो जब आप नर्स रोल ऑफ नर्सिस आप जब आप पढ़ेंगे हर एक टॉपिक में आप देखेंगे कि कुछ एक पॉइंट्स जो हैं वो आपको सेम सेम दिखेंगे तो आप वो पॉइंट्स जो हैं वो अलग से नोट डाउन कर लीजिए क्योंकि वो सभी आ, सभी टॉपिक में वो पॉइंट जो है वो रिपीट होते रहते हैं तो इस तरह से आपका रोल ऑफ नर्सिस टॉपिक जो है वो रेडी हो जाएगा अगर आपसे एग्जाम में किसी भी टॉपिक पर आपसे रोल ऑफ नर्सिस पूछा जाता है तो वो पॉइंट्स आप लिख सकते हैं क्वेश्चन नंबर इलेवन है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन तो ये कुछ ऑर्गेनाइजेशन है जैसे कि वर्ल्ड हेल्थ है यूनिसेफ है तो एक बार उसे रीड आउट ज़रूर करना है लेकिन इनमें से जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आप यहाँ पर लिख रही हूँ जैसे कि डब्ल्यू एच ओ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व है ऑक्यूपेशनल हेल्थ हज़ार्स क्या क्या हो सकते हैं यानी कि ऑक्यूपेशनल हेल्थ के अंडर यानी कि जो वर्किंग पीपल है उनमें क्या क्या हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं यानी कि वर्किंग एरिया पर जिस कंपनी में वो वर्क कर रहे हैं काम कर रहे हैं वहाँ पर क्या क्या इश्यूज हो सकते हैं उनको हेल्थ से रिलेटेड नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर थर्टीन है रिकमेंडेशन ऑफ बोर कमेटी और काफ़ी सारी कमेटीज़ हैं उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट्स हैं वो आपने यहाँ पर पढ़नी है आई सी प्रोग्राम पंचायत राज सिस्टम बहुत ही इम्पोर्टेंट है पंचायत राज सिस्टम डब्ल्यू एच ओ ठीक है एंड उसके बाद आता है प्राइमरी हेल्थ केयर प्राइमरी हेल्थ केयर आपने अपने पहले भी पार्ट वन में भी पढ़ा होगा कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग पार्ट वन में भी आपने पढ़े हैं काफ़ी क्वेश्चंस इसमें होंगे जो आप पार्ट वन में पढ़ चुके हैं बस उसे एक बार रीड आउट आपने इसे करना है प्राइमरी हेल्थ केयर क्या क्या है इसके एलिमेंट्स क्या हैं इसके प्रिंसिपल्स क्या हैं तो यहाँ पर सिर्फ मैंने प्राइमरी हेल्थ केयर लिखा है आपने इसको पूरा डिटेल में पढ़ना है नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हेल्थ केयर सिस्टम ठीक है हेल्थ केयर सिस्टम में आपका प्राइमरी लेवल सेकेंडरी लेवल एंड टेरिटरी लेवल आएगा तो दोनों तीनों लेवल में क्या क्या हो रहा है कैसे कैसे स्टेप वाइज फंक्शन हो रहा है ये आपने याद करना है और कई बार आपसे एग्ज़ाम में सिर्फ सेकेंडरी लेवल पूछा जा सकता है या फिर टेरिटरी लेवल या फिर प्राइमरी लेवल पूछा जा सकता है तो आपने तीनों लेवल आपने पढ़ने हैं क्वेश्चन नंबर एटीन है वॉलेंट्री हेल्थ सर्विसेज क्या क्या होती हैं आर रिप्रोडक्टिव एंड हेल्थ चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम ये भी आप पार्ट वन में पढ़ चुके हैं एन भी आपने पार्ट वन में पढ़ा हुआ है नेशनल रूरल हेल्थ मिशन एन नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें हेल्थ प्रॉब्लम हेल्थ प्रॉब्लम में कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ेज आती हैं लेकिन मोस्टली जो है वो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ेज पूछी जाती हैं एक बार आप नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ेज़ भी आप पढ़ लीजिएगा लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वही मैं यहाँ पर लिख रही हूँ कम्युनिकेबल डिजीजेज़ क्या क्या हैं कौन कौन सी होती हैं और कैसे इसको किया जा सकता है रिमूव नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें ऑक्यूपेशनल हेल्थ नर्सिंग क्या क्या होता है ऑक्यूपेशनल हेल्थ नर्सिंग में और इसमें रोल भी आप लिख सकते हैं एक तरह से आपसे यहाँ पर रोल पूछा जाएगा ऑक्यूपेशनल हेल्थ नर्सिंग क्या होता है इसमें नर्सिस का क्या क्या रोल है नेक्स्ट है मिड डे मील प्रोग्राम नेक्स्ट आ रहा है डेमोग्राफिकल साइकिल तो यहाँ पर डेमोग्राफी साइकिल की जो है स्टेजेस हैं फोर स्टेजेस होंगी ठीक है सभी स्टेजेस आपने पढ़नी है क्या क्या स्टेजेस होती हैं नेक्स्ट आता है ट्वेंटी फिफ्थ है फैमिली प्लानिंग मेथड फैमिली प्लानिंग मेथड आपने फर्स्ट ईयर से आप पढ़ रहे हैं ठीक है ओबीजी में आप पढ़ते हैं और नेटमी में भी आप पढ़ते हैं फैमिली प्लानिंग मेथड क्या क्या है उसमें कौन कौन से मेथड है और डब्ल्यू एच ओ यहाँ पर रिपीट हो गया है क्वेश्चन नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन हमारा बायो मेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट क्या होता है ठीक है और इसके अंदर क्या क्या आता है और जो कि आप पढ़ते भी हैं और अगर आपने ड्यूटीज़ की हैं हॉस्पिटल में तो आपने जो जो वहाँ पर आपने कैसे आप यूज़ करते थे ठीक है येलो बैग व्हाइट बैग ब्लू बैग ठीक है ये सारी चीज़ें आप बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट में लिख सकते हैं तो जो भी आपने एक्सपीरियंस किया है बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट में वो आप यहाँ पर लिखेंगे तो ये रहने वाले हैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और इसके अलावा अगर आपको किसी सब्जेक्ट का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं मैं कोशिश करूँगी आपको जल्द से जल्द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का एक वीडियो बनाने का तो अगर आप यहाँ से स्क्रीनशॉट लेना चाहें इन क्वेश्चंस की तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं तो आज की वीडियो में इतना ही आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा थैंक यू फॉर वॉचिंग